पहली इनिंग्स जो है ना 10-10 ओवर की, वो समाप्त हो चुकी है। अब एक्शन दूसरी इनिंग्स का। और ये दिलचस्प फॉर्मेट है ना कि आप एक T20 को भी टेस्ट मैच की तरह दो इनिंग्स में बांट के खेल रहे हैं। लीजिए सुन लिया आपकी बात, क्योंकि अगले शॉट पे आक्रामक रुख अपनाया। अरे अरे, ये क्रिकेट के मैदान पे फुटबॉल कैसे, 4 रन मिल जाएंगे, यहां मिलेंगे 4, और इस सीरीज का अब तक का बेहतरीन शॉट, सिंगल मिल जाएगा। एक अलग सी प्रेरणा मुझे लगता है कि क्योंकि खतरा है इंजरी होने का, और फिर से एक और चौका, बहुत बढ़िया एक मूव है मुझे लग रहा है इन्हें ओपनिंग करने के। मुझे लगता था कि ये शायद इस रूल के करके ओपन करने आए हैं। मुंबई हीरोज ने, और अपूर्व लाखिया का बल्ला बोल रहा है, यहाँ पे 4 और मिलने चाहिए। पर देखिए शॉट सिलेक्शन कितनी बढ़िया, अभी आपको लगा होगा कि ये शॉट जो है क्रॉस द लाइन खेला है, करना जो है ना, ये अच्छी क्रिकेट खेलने वाले को पता लगता है। अच्छा शॉट सिलेक्शन जो है वो एक पिलर है अच्छी बैटिंग का। हो गई है, ओह ये मिस टाइम हो गया, थोड़ा सा बॉडी वेट जो है पीछे, ओ क्या बात है, ये तो कमाल का कैच है जी, ये तो इंटरनेशनल लेवल का कैच है। उल्टा भाग के एक हाथ से ऐसे पकड़ना, और एक ब्रिलियंट फील्डिंग एफर्ट ने ब्रेक थ्रू दिया है केरला को। और लीजिए ये करारा प्रहार है, 4 के लिए वार है, और इसी की मुंबई हीरोज को दरकार है। एक और बार पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल, और 4 और जहां पे, ओह बहुत बढ़िया शॉट लगाया, 6 रन, क्या बात है, अगर टाइमिंग लग गई तो भारी जाएगा। बढ़िया शॉट है, अच्छी फील्डिंग, पूरी जान लगा रहे हैं इस समय, बीच में से निकल के 6 विकेट ले गए। ओ क्या कैच है, तेज आया, इसे स्किमिंग कैच कहते हैं, और सीधा हाथ में फंस गया, के कारण अब देखिए मैच कैसे पलट लिया। या क्लियर नहीं कर पाया एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को, कोशिश यही थी कि ओवर द टॉप खेला जाए, पर कैच आउट हुआ वहां पे। शब्बीर खासकर अच्छे टच में दिख रहे हैं, और एक अच्छा शॉट, गैप ढूंढा सटीक तरीके से, और 4 रन मिलते हुए उसके साथ। एक बार फिर से बॉल का बाउंस नीचे रह रहा है तन्मय, अच्छी बॉल, एक बार फिर से अर्जुन की गेंदबाजी में अंदर और बाहर दोनों तरफ दिशा को बदलने का वो कैलिबर है। ये उठा दिया है उन्होंने, ब्यूटीफुल, इतना लंबा, लेकिन फिलहाल ये शरद केलकर का फॉर्म है, जबरदस्त कनेक्शन, और कोई शंका नहीं थी कि क्या होगा इस बॉल का नतीजा। हालांकि अगर कैच होता तो पूरे 10 सीजन मिलाकर हाईलाइट में जरूर वो कैच होता, वो जबरदस्त कैच। वो इंटेंसिटी से खेल रहा है, एक और उड़ा दिया है, पर बॉल हवे में, कीपर, ओह ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा विकेट, ये शरद केलकर का विकेट, फुल टॉस थी, लालच पूरी तरह से उन्हें मिला, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्शन सही नहीं, और उसके बाद ये तालमेल, स्टेप आउट करते हुए अपील किए हुए हैं, अपील किए हुए हैं, और सलाह मशवरा होगा लेग अंपायर से, इस एंगल से शायद बेटर दिखेगा। करीबी मामला, बहुत ही करीबी टच एंड गो वाला मामला है ये। यहाँ पर दो चीजें चेक की जाएगी कि क्या बॉल का डायरेक्शन बदला है, और अगर वो हुआ है तो क्या कलेक्शन वहां पर कीपर का सही था। टीवी अंपायर आसिफ इकबाल एक डिसीजन पर आ चुके हैं, और ये बड़ा डिसीजन, विकेट का पतन यहाँ सकीब सलीम को जाना होगा, और ये बहुत बड़ा विकेट है मुंबई के लिए। इस बार चाहेंगे कि ओ पहली गेंद में क्लीन बोल्ड समीर कोचर, बीतता जा रहा है, शानदार ये गेंद तन्मय, बिल्कुल पहली बॉल ही स्किड होके गई। ओ एक और विकेट, एक और बेहतरीन विकेट यहाँ बेनी के नाम, एक ही ओवर में इस मैच की कहानी को बदलते हुए केरला स्ट्राइकर्स की ओर ये मैच अब पलट सकता है। एयर बन पा रहे हैं, फुल ये गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, और आसान कैच, जबरदस्त कैच, और मार दिया है लंबा छक्का। ये सारे रन्स
घुटनों पर आके अपने कोर स्ट्रेंथ के साथ इस बॉल को खेला था तन्मय इस बार। फ्लैट सिक्स है और फ्लैट बैट मारा है। एक और यॉर्कर ट्राई किया उन्होंने गैप में, चार रन और मिलेंगे। नवदीप ने फिर से उठाया बॉल हवे में और ये ड्रॉप। आखिरी बॉल ओवर की और रितेश देशमुख पहले से ही निकल गए थे और रविचंद्रन अश्विन की याद आ गई। यहां तो कहीं देखा हुआ है ये लास्ट बॉल। इनकी बड़ा शॉट और सीधे छह रन मिलेंगे। कमाल का एंड यहां पर मुंबई हीरोज की इस इनिंग का। 100 रन इसके साथ हुए पूरे और 92 रन की लीड। जबरदस्त पारी यहां पर नवदीप की ओर से। इस बार फुल गेंद थी उसी शॉट की जो कोशिश लगातार कर रहे थे उसे किया पूरा और मुंबई हीरोज का रिएक्शन देखिए। जो पिछले ओवर में इन्हें नुकसान झेलना पड़ा था उसकी शानदार भरपाई होती हुई 19 रन आए इस ओवर से। ये देखिए बैटिंग स्कोर कार्ड, नवदीप ने जो मोमेंटम घुमाया है, नवदीप और शरद ने 100 पे 6 और मुझे लगता है कि एक टोटल है गेम जिस हिसाब से बन रहा है गेम ऑन है। बिल्कुल गेम ऑन है। मुंबई हीरोज कहां 19 पर 4 थे पहले इनिंग में, 100 पर 6 दूसरे इनिंग में और ये पार्टनरशिप्स अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप शब्बीर और अपूर के बीच से आई थी 22 रन की। उसके बाद नवदीप और शरद ने जिस तरीके से इनिंग को अपने हक में किया था, कब्जा कर लिया पूरी तरह मोमेंटम का, लेकिन फिर से लगातार 3 विकेट्स गिरे और आखिरी इस 8 रन पर 19 रन की पार्टनरशिप मुंबई हीरोज के हित में आई। बॉलिंग देखिए केरला स्ट्राइकर्स की, बेनी 2 ओवर में 4 रन देके 3 विकेट, क्रूशल ओवर था वो। ये देखिए मैच समरी अभी तक। पहले पहले इनिंग्स में मुंबई ने 76 मारा था, केरला ने 84 और सेकेंड इनिंग्स में जो मोमेंटम लाई है अपनी बैटिंग में मुंबई ने 92 रन के लीड लेके। तो 93 रन चाहिए केरला स्ट्राइकर्स को। देखते हैं कि चौथे इनिंग क्या की घटनाएं कैसे जाती है।